नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रेपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बैल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अज के इस सैशन के आप पढ़ांगे यूटिलिटी एनालिसिस तो स्टिगन विश्लेषण। चलते हैं जी अज के टॉपिक पर। हाँ जी, सब तो पहला है हू इज़ कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है। हाँ जी, जो कंज्यूमर है वो एक इकोनॉमिक एजेंट हूँ, आर्थिक एजेंट हूँ। तो उपभोक्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अपने सीमित साधनों के नाल अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना या तुष्टिकोण प्राप्त करना। उपभोक्ता अपनियां लोड़ां नूं प्रत्यक्ष रूप नाल पूरा करने लई संतुष्ट करने दे लई अंतम वस्तुआं ते सेवावां दा प्रयोग करता है। ठीक है जी, अंतम वस्तुआं ते सेवावां दा जिहड़ा प्रयोग करता है वह हुंदा उपभोक्ता। तो अंतम वस्तुआं ते सेवावां ते जो उपभोक्ता खर्च करता है उसनों अंतिम उपभोग खर्च कहा जाता है। तो जो आप राष्ट्रीय आमदन की गणना करते हैं तो अंतिम उपभोग खर्च नूं उहदे विच शामिल किया जाता है। यह गल ध्यान रखनी है जी। ठीक है जी, जिहड़े मध्यवर्ती वस्तुआं ते किए जाने वाले खर्च नूं राष्ट्रीय आमदन की गणना में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये अपना जिहड़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वह आप पढ़ांगे डिटेल दे विच। हाँ जी, तुष्टिकोण का मीनिंग की है, वट इज़ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मीनिंग की है। कंसैप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज ओरिजिनली गिवन बाय बैंथम। जिहड़ा तुष्टिकोण की जिहड़ी धारणा है मूल रूप दे विच बैंथम द्वारा दी गई सी। हाउएवर इट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय दी जैमन, भावें कि यह रस्मी तौर पर जैमन द्वारा इनू इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया। ठीक है, किताबों के किताबों के बुकिश लैंग्वेज के कह लो ये जैमन के द्वारा इनू पेश किया गया। तुष्टिकोण की चीज़ है, वट इज़ यूटिलिटी, यूटिलिटी की है। तुष्टिकोण किसी वस्तु या सेवा का गुण हुंदा है जिसके सहायता के नाल उपभोगी अपनी लोड़ों की पूर्ति करता है। जिवें कि पानी विच गुण है वह प्यास बुझाउंदा है, रोटी विच गुण है वह भुख मिटाउंदी है। ठीक है जी, ध्यान रखना है यूटिलिटी है जी किसी वस्तु का या सेवा का कोई गुण या करैक्टरिस्टिक्स है जिद उपभोगी अपनी लोड़ों की पूर्ति करता है। हाँ जी, अगे बढ़ते हैं जब तुष्टिकोण दी विशेषतावां। सब तो पहली विशेषता है यूटिलिटी इज़ रिलेटिव, जिहड़े तुष्टिकोण आ सापेक्षिक है। मतलब यह है भी समय स्थान के अनुसार तुष्टिकोण जिहड़ा वो बदल जाता है। ठीक है, जिवें जिहड़ा बर्फ है वह सर्दी के मौसम के उस तो घट तुष्टिकोण प्राप्त हुंदा है, गर्मी के ज़्यादा प्राप्त होती है। समा स्थान के मौसम के अनुसार तुष्टिकोण वो बदलता रहता है। तुष्टिकोण का स्वाद ना कोई संबंध नहीं, जे तुष्टिकोण का स्वाद ना संबंध हुंदा तां रोगी ने कोई दवाई नहीं लैनी सी। ठीक है जी, मेडिसन किसी भी मरीज़ ने नहीं लैनी सी। इहदा मतलब है तुष्टिकोण का स्वाद ना कोई संबंध नहीं। तुष्टिकोण का नैतिकता दे नाल भी कोई संबंध नहीं, जे तुष्टिकोण का नैतिकता दे नाल संबंध हुंदा तां किसी भी चोर ने चोरी नहीं करनी सी। ठीक है, किसी ने भी झूठ नहीं बोलना सी। ठीक है जी, इहदा संबंध हुंदा। तुष्टिकोण अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी मीन सबजैक्टिव है। एक ही वस्तु तो वख-वख आदमियों नूं वख-वख तुष्टिकोण प्राप्त होवेगा, क्योंकि तुष्टिकोण का संबंध मन दे नाल है। जिवें आपां परिवार दे विच कोई सब्जी धरी हुंदी है तां उह एक ही सब्जी किसी नूं चंगी लगती, परिवार के मैंबर नूं किसी नूं उह स्वाद नहीं लगती। ठीक है, वस्तु एक ही है पर उस तो वख-वख परसनस नूं वख-वख तुष्टिकोण जिहड़ा उह प्राप्त हुंदा है। ठीक है, इह ध्यान रखना है क्योंकि जिहड़ा तुष्टिकोण है यूटिलिटी है उह सबजैक्टिव है। हाँ जी, सारे जिहड़े फैक्ट दित्ते आ इंपोर्टेंट आ, तुसीं ध्यान च रखणे जी। हाँ जी, अगे है जी कंसैप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी दी तीन कंसैप्ट होंगे, धारणावां होंगे। सब तो पहला इनिशियल यूटिलिटी, जिन्होंने आरंभिक तुष्टिकोण कहने हैं। ये जदों कोई आप वस्तु की किसी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करते हैं उस तो प्राप्त तुष्टिकोण को आरंभिक तुष्टिकोण कहा जाता है, इनिशियल यूटिलिटी कहा जाता है। जिवें पहला सेब खाने तो जिन्नी इकाइयां आपां नूं तुष्टिकोण प्राप्त होया उन्हों आरंभिक तुष्टिकोण कहांगे। सीमांत तुष्टिकोण जां मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की एक होर इकाई का उपभोग करने नाल कुल तुष्टिकोण दे विच, ठीक है, कुल तुष्टिकोण दे विच जो परिवर्तन आता है उसनों समान तुष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है जी, जिहड़ा समान तुष्टिकोण का संबंध है एक एक्सट्रा यूनिट कंज्यूम करन दे नाल जिहड़ा टोटल यूटिलिटी है जिहड़ी टी जू है उहदे विच जो चेंज आता उहदे नाल है। उदाहरण दित्ती है, ठीक है जी, एक संतरे तो 10 यूटिलिटी संतुष्टि प्राप्त हुंदी है ते दो संतरियां तो कुल तुष्टिकोण है जिहड़ा वह 18 यूटिल होवे तां समान तुष्टिकोण प्राप्त होगा 8 जुटिल। ठीक है, 18 चो 10 माइनस करके आप निकाल सकते हैं एम जू नूं। हाँ जी, जी ध्यान की रखना है, ध्यान रखना है जी समान तुष्टिकोण है वह धनात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है जी, ये ध्यान च रखना है। तो यह जो फार्मूला है कैलकुलेट करन दा मार्जिन यूटिलिटी का वो है डेल्टा टी जू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू जा टी जू एन माइनस टी जू एन माइनस वन। ठीक है जी, यहाँ फार्मूला एक बार फिर तुम दस दिना, एम जू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है जी, ये ध्यान च रखना फार्मूला का। हाँ जी, ये सारे जो फैक्ट है इंपोर्टेंट है ध्यान च रखने जी। किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करते समय जी समान तुष्टिकोण को ध्यान दे विच रखा जाता है। तो समान तुष्टिकोण की सहायता के नाल ही एडम स्मिथ का जोड़ा
डायमंड वाटर जोड़ा पैराडॉक्स है उन्होंने हल कर जतन किया गया है। एम जोधी सहायता के नाल ही जोड़ा है वाटर डायमंड पैराडॉक्स है हल किया गया। किसी वस्तु की जो कीमत तय करते हैं उदों भी समान तुष्टिकोण ध्यान में रखा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखने जी। हाँ जी, वाटर डायमंड पैराडॉक्स की चीज़ है। हाँ जी, वाटर जोड़ा हीरा जल पैराडॉक्स की चीज़ है। एडम स्मिथ ने सीमांत उपयोगता के माध्यम के नाल जाने कि एम जू की सहायता के नाल, ठीक है जी, ये दसन की कोशिश की है कि किसी वस्तु की जी उपयोगता है, ठीक है, जी साडे लिए बहुत ज़्यादा वधेरे उपयोगी है कोई एक वस्तु, वो कीमत घट है, जबकि एक होर वस्तु जिसकी साडे लिए उपयोगता घट है वो कीमत वध है, अजिहा क्यों है? ये सब कुछ सानू मार्जन यूटिलिटी की सहायता के नाल एडम स्मिथ ने यह जोड़ा है वाटर डायमंड पैराडॉक्स है हल करने की कोशिश की है। इस गल समझाने लिए एडम स्मिथ ने हीरे ते पानी के उदाहरण लिया है। इसनों आपां हीरा जल पैराडॉक्स वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने दसिया कि साडे लई पानी की जिहड़ी उपयोगता बेअंत है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है पानी साडे लई, पर कुदरत दे विच पानी है जिहड़ा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसकी जिहड़ी मार्जिन यूटिलिटी बहुत घट है, इस करके इहदी कीमत बहुत जीरो रहिंदी है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु की जी कीमत तय होंगी वह मार्जिन यूटिलिटी को ध्यान में रख के तय होंगी है। जे मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा है तो उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होएगी, जे मार्जिन यूटिलिटी घट है तो उस वस्तु की कीमत वो घट तय होएगी। पर जोड़ा पानी है वह जीवन का एक बेसिक नीड है, इस तो बिना जोड़ा लाइफ है संभावना जी नामात्र है, ठीक है जी। पर फिर इसके बावजूद भी इसकी जी कीमत है वह जीरो है, इसका मुख्य कारण है उस पानी की जी बहुतात ज़्यादा होने कारण उसकी जी समांत यूटिलिटी एम जू है वह बहुत घट होंगी है, लगभग जीरो के बराबर होंगी। दूजे पासे हीरा, हीरा जड़ा उसकी साडे लिए जी उपयोगता है वह बहुत घट है, पर कुदरत दे विच घट उपलब्ध होने के कारण इसकी जी एम जू है सीमांत यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी है। यही कारण है कि हीरे की कीमत बहुत उच्ची होंगी है। हुण सिट्टा की निकलिया इस गल तो, सिट्टा यह निकलिया भी किसी भी वस्तु की जी कीमत है वह कुल उपयोगता द्वारा तय नहीं होंगी, यानी कि टी यू द्वारा तय नहीं होंगी, कि द्वारा निर्धारित होंगी है एम जू द्वारा निर्धारित होंगी है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, सारिया चीज़ें इंपोर्टेंट है, तुम ध्यान रखनी। हाँ जी, उस तो बाद अगली कंसैप्ट है अपने को टोटल यूटिलिटी। किसी वस्तु दियाँ उपभोग की सारिया इकाइयों तो मिलने वाले तुष्टिकोण के जोड़ आप कुल तुष्टिकोण कहने हैं। जिमें देखो आप किसी वस्तु दियाँ चार इकाइयों का उपभोग करा तो यह पहले चार प्लस हो जाएगा, पहली इकाई तो अपन कि मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त हुई वो प्लस, दूजी वस्तु तो कि अपन मार्जिन यूटिलिटी प्राप्त हुई प्लस, तीजी तो चौथी तो प्लस करा तो की बन जाएगा टोटल यूटिलिटी बन जाएगी चार इकाइयों का। ठीक है जी, आप फार्मूला ध्यान च रखना तुम्हें टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर। हाँ जी, अगे है जी अपने को रिलेशन टी यू के एम जू के विचकार की संबंध है। यह संबंध पढ़ने तो पहला आप डायग्राम को ध्यान देखा। हाँ जी, जी उपर डायग्राम है उपरली टोटल यूटिलिटी तो क्वांटिटी दर्शाया गया है, जी हेठा जी डायग्राम बी है जी वो मार्जिन यूटिलिटी तो क्वांटिटी दर्शाया गया है। आप पढ़िया जी जो आप घटते समान तुष्टिकोण का जो निजम आप पढ़ा उस तो यह गल क्लीयर होंगी है भी जो आप एक वस्तु का लगातार निरंतर उपभोग करते हैं तो उस तो मिलने वाला जो मार्जिन यूटिलिटी है वह घटता जाता है। इस करके जी डायग्राम बनी हुई एम जू की ये नैगटिव स्लोप वर्ड डाउनवर्ड बनी हुई है, यदि एम जू की जी ढाल है वह नैगटिव है, यदि स्लोप है वह नैगटिव है। तो आप यह भी पढ़िया हुआ जो एम जू है वह पॉजिटिव होंगे जीरो होंगे तो नैगटिव होंगे, थोड़ा ध्यान दौ आ जो मैं लिख रहा कर रहा यह पॉजिटिव है इतों तक, तो इस बिंदु पर जीरो है तो उस तो बाद नैगटिव एम जू। ठीक है जी, जो एम जू जीरो है तो इतों एक डोटल लाइन है जी खिंच लेनी है, तो इतों ही आप इस तरह बनानी है टी यू, इतने जी टी यू है मैक्सीम होंगी जो कदों मैक्सीम होंगी है जो एम जू जीरो होंगी है। ठीक है, जो एम जू जीरो होंगी है तो टी यू है जी की होंगे मैक्सीम होंगी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो एम जू पॉजिटिव है, देखो आ पॉजिटिव है सर इतने तक, तो उदों जी हैगी है टी यू बढ़ रही है इनक्रीज़ कर रही है, जदों एम जू ठीक है जी नैगटिव है तो उदो टी यू है जी घटनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, जी टोटल लाइन है इन्हें दो पार्टीशन के वंडता, एक आ पार्ट हो गया, ठीक है, इधरों आ पार्ट हो गया एम जू का, तो इधरले पासे टी यू का आ पार्ट जो घटता हो गया, तो इधरले पासे आ नैगटिव पार्ट हो गया। ठीक है जी, ये ध्यान रखने ये तीन रिलेशन बनते हैं जो एम जू जीरो है। ठीक है जी, जो एम जू जीरो है ध्यान दौ, जो एम जू जीरो है तो उदों टी यू मैक्सीम है, टी यू की है मैक्सीम है, जो एम जू पॉजिटिव है तो उदो टी यू है इनक्रीज़ कर रहा। ठीक है, जो एम जू है जो नैगटिव है, ठीक है, उदो टी यू है वो डिक्रीज़ कर रहा घट रहा, तो इन संबंधों आप इतने पढ़ा। सब तो पहला संबंध है जी जो कुल तुष्टिकोण है वह समान तुष्टिकोण का जोड़ होंगे, यानी कि टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम जू।
ठीक है जी। ये आप पीछे फार्मूला देख के गए हैं, टी जू इज इक्वल टू एम जू प्लस वन एम प्लस एम जू टू प्लस एम जू थ्री एम जू फोर, ठीक है जी। इस तरह ये फार्मूला होता है। दूसरा रिलेशन की है, जदों एम जू पॉजिटिव है, आ चीज़ गल होती है, जदों एम जू पॉजिटिव है उदों की है कुल तुष्टि गुण बढ़ता है, ठीक है जी। आप बढ़ रहा देखो जी। उस तो बाद तीसरा रिलेशन है जी, जदों एम जू सिफर है, आ सिफर है जी देखो इतने, तो उदों टी जू है जो मैक्सीमम है, ठीक है जी। उदों टी जू की है मैक्सीमम है, अधिकतम होंगे। चौथा रिलेशन जदों एम जू नैगटिव है, देखो नैगटिव है तो उदों टी जू घटना शुरू हो जाता है, आ देखो घट रहा इतने, ठीक है जी, घटना शुरू हो जाता, ठीक है जी। ये ध्यान रखना है, घटते हुए समान तुष्टिकोण का अर्थ है, ठीक है भी समान तुष्टिकोण जोड़ा घट रहा, देखो सर आ देखो घट रहा है, ठीक है। यह अर्थ है भी कुल तुष्टिकोण तो बढ़ रहा है पर घटती दर से बढ़ रहा है, ठीक है जी। ध्यान रखना है, कुल तुष्टिकोण बढ़ रहा है पर घटती दर से बढ़ रहा है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। हाँ जी, कुछ सवाल ये उपयोगता वगैरह जोड़ा वो डिगदा है तो समान उपयोगता दसनी है, ठीक है, की होएगा इन आप समझा एक डायग्राम के जी आप पिछले समझ के गए हैं। जोड़ा आप पढ़िया सी जो एम जू है वो पॉजिटिव ही है तो जीरो भी है, तो जीरो होएगा तो इतने नैगेटिव है, ठीक है। जितों जीरो है इतने टोटल लाइन आप लै जानी है, तो इस तरह ये बनेगा, ये टी जू कर बनेगा। हम गल कर रहे इस गल की, टी जू है जोड़ा वो वक्र डिग रहा है, उस समय एम जू की होएगा, एम जू की होएगा नैगटिव होएगा, ऋणात्मक होएगा, ठीक है जी। ध्यान देख लेना इनू, जदों समान तुष्टिकोण पॉजिटिव हुंदा है, ठीक है जी, तो कुल तुष्टिकोण की स्थिति दसनी की होएगी, इनू भी आप देखते हैं डायग्राम के नाल दोबारा फिर। हाँ जी, आ पॉजिटिव हुंदा है, इतने जीरो होएगा, इतने नैगटिव होएगा, ठीक है। ये एम जू कर्व अपना जी, ये एम जू कर्व है, जिथे जीरो हो रहा उतों फिर टोटल लाइन खिंच लेनी आप। हाँ जी, हुण इह गल हो रही है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस हिस्से की गल हो रही है, तो उदों टी जू है जिहड़ा वो वध रहा है, ठीक है, की हो रहा है वध रहा है, ठीक है। टी जू की होएगा वध रहा है, इनक्रीज़ हुंदा उदों, ठीक है जी। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दसना इन्हां विचों कि स्टेटमेंट है जी ट्रू है। वैन टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सीमम मार्जिन यूटिलिटी इज़ जीरो, बिल्कुल राइट है जी, जदों एम जू जीरो होंगी है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सीमम होंगी है। मार्जिन यूटिलिटी रिमेन्स कॉन्सटेंट वैन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिज, जो टोटल यूटिलिटी है जी घटती है तो उदों मार्जिन यूटिलिटी कॉन्सटेंट रही है, गलत हो गया जी, मार्जिन यूटिलिटी नैगटिव होंगी उदों। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी आर नॉट इंटर रिलेटड, वो कहते टी जू तो एम जू है एक दूजे नाल संबंधित नहीं हैं, ये भी गलत है जी, एक दूजे नाल संबंधित हैं। फिर यदा राइट आंसर जरा ये बनेगा जी, पहले ही यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन अडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज़ नॉन। हाँ जी, कहते वो तुष्टिकोण जोड़ा किसी वस्तु की एक फालतू या वाधू इकाई की उपभोग तो प्राप्त होंगे उन्होंने की कहने, उन्होंने समान तुष्टिकोण कहने हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना है, किसी वस्तु की एक होर इकाई उपभोग करने जोड़ा तुष्टिकोण प्राप्त होंगे उन्होंने की कहने आप, मार्जिन यूटिलिटी, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, ये लिखे बच्चों गलत चुनना आप, दसना भी गलत किड़ा है। टोटल यूटिलिटी का फार्मूला है जी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल इस तरह ही फार्मूला है। मार्जिन यूटिलिटी का फार्मूला भी बिल्कुल सही है जी, डेल्टा टी जू डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। मार्जिन यूटिलिटी का एक होर फार्मूला होंगे टी जू एन माइनस टी जू एन माइनस वन, ये भी ठीक है। उन्होंने पूछा सी गलत चुनो, पर ये कोई गलत है ही नहीं, उपरोक्त विचों कोई नहीं, यदा राइट आंसर बनेगा उपरोक्त विचों कोई नहीं। किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करन समय ध्यान में रखा जाता है, ठीक है जी, ये मार्जिन यूटिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है जी। तो इस आधार पर जोड़ा वाटर डायमंड पैराडॉक्स है जोड़ा एडम स्मिथ ने दिता, उसकी व्याख्या की गई है। तुष्टिकोण दी विशेषतावां की गल करते हैं। हाँ जी, तुष्टिकोण की जी विशेषतावें हैं, यूटिलिटी इज़ रिलेटिव, सापेक्षिक है, हाँ जी बिल्कुल है, समा स्थिति मौसम के अनुसार जी यूटिलिटी बदलती रहती है। तुष्टिकोण का स्वाद नाल कोई संबंध नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, स्वाद नाल कोई संबंध नहीं। जे यूटिलिटी का स्वाद नाल संबंध हुंदा तां रोगी ने मरीज़ ने मैडिसन नहीं लैनी सी, ठीक है। तुष्टिकोण अंतर्मुखी है, सबजैक्टिव है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही वस्तु तो वक् वक् आदमी वक् वक् तुष्टिकोण प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुष्टिकोण का संबंध है जोड़ा वो मन के नाल है, यदा राइट आंसर बनेगा जी उपरोक्त सारे। वाटर डायमंड पैराडॉक्स कंसैप्ट वॉज गिवन, हाँ जी, एक कंसैप्ट किने दिता सी, एडम स्मिथ ने दिता सी, ठीक है जी। जदों समान तुष्टिकोण जीरो हुंदा है तो कुल तुष्टिकोण होगा, ठीक है, जो एम जू जीरो है तो कुल तुष्टिकोण मैक्सीमम होएगा, अधिकतम होएगा। हाँ जी, नैक्सट है जी अपने कोल कंसैप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन की धारणा। हाँ जी, उपभोक्ता के संतुलन तो भाव अजिही स्थिति तो है जिस विच उपभोक्ता अपनी सीमित आमदन खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, तो उपभोगी अपने खर्च करने के वर्तमान ढंग में कोई भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करता, ठीक है जी। इस स्थिति को आप उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति कहेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता संतुलन के संबंध के तीन सिद्धांत दिए हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिन्होंने आप गणनावाचक या गिनतीवाचक तुष्टिकोण विश्लेषण कहने हैं, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिन्होंने आई सी एनालिसिस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कह देने हैं, क्रमवाचक तुष्टिकोण भी कहा जाता है। तीसरा है रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस जिन्होंने प्रगट थ्रीज विश्लेषण किया जाता है।
ठीक है जी। आज के टॉपिक दे सिर्फ आप एक ही कवर करांगे, गणना वाचक दृष्टिकोण विश्लेषण। हाँ जी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है जिहड़ा, इहनूं जिहड़ा अंतिम रूप दिता सी ओह मार्शल ने दिता सी, इस करके इस नूं मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना है। नोट की करना है आपां, जिहड़ा यूटिल शब्द है उस दृष्टिकोण के माप के लिए जिहड़ा वरत्या गया यूटिल शब्द है, उस शब्द की वरतों है प्रोफेसर फिशर ने की सी। ठीक है जी, ध्यान रखना है। हाँ जी, जो उपभोगी के संतुलन नूं आपां समझते हैं गिनतीवाचक या गणनावाचक दृष्टिकोण विश्लेषण की सहायता नाल, तो ये संबंध के दो निज़म है। ठीक है जी, इन्हों आप अगे पढ़ते हैं। सब तो पहला निज़म है जी, एक वस्तु की स्थिति में उपभोगी का संतुलन, तो ये जो घटते समान दृष्टिकोण का जो निज़म है वह वरत्या जाता है। इस निज़म को गोसेन का पहला निज़म भी कहा जाता है। इस निज़म को फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है, या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है जी, सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने। मार्शल ने इस निज़म को घटते समान दृष्टिकोण का निज़म किया है। ठीक है जी, जिहड़ा एक वस्तु की स्थिति में उपभोगी के संतुलन की जिहड़ी व्याख्या की है मार्शल ने, उस निज़म को घटते समान दृष्टिकोण का निज़म किया है। तो इस निज़म के अनुसार जदों एक मनुख एक वस्तु दियां वध इकाइयां का उपभोग करता है तो उस वस्तु तो प्राप्त होने वाला समान दृष्टिकोण जिहनूं आपां एमयू कह दिंदे हां वह घटता जाता है। ठीक है, जदों एक व्यक्ति एक वस्तु दियां लगातार इकाइयां का उपभोग करता है, लगातार वधेरे इकाइयां का उपभोग करता है, तो उस तो मिलन वाला जिहड़ा समान दृष्टिकोण है वह घटता जाता है। दूसरे शब्दों में कहांगे भी कुल दृष्टिकोण में वाधा हुंदा है पर घटदी दर ते हुंदा है। ठीक है जी, ध्यान रखना है, सारे फैक्टर दे विच इंपोर्टेंट है, ये तुसीं ध्यान च रखना है जी। अजिही स्थिति दे विच एक विवेकशील मनुख है जिहड़ा उस वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा जिथे उस वस्तु की अंतिम इकाई तो प्राप्त समान दृष्टिकोण और उस इकाई नूं खरीदण लई दित्ती जाण वाली कीमत के रूप में मुद्रा का जिहड़ा दृष्टिकोण एक दूजे के बराबर होवे। भाव यह है भी उस वस्तु तो प्राप्त होने वाला दृष्टिकोण तो उस वस्तु के लिए जी कीमत दी जा रही है वो एक दूजे के बराबर हो। ठीक है जी, जो आप किसी वस्तु खरीदते हैं तो वह बदले में मुद्रा का त्याग करना पैंता है, भाव कुछ दृष्टिकोण का त्याग करना पैंता है, तो जी वस्तु आप खरीदी वो उपभोग तो भी अपन कुछ दृष्टिकोण प्राप्त होंगे, तो ये दोनों दृष्टिकोण आपस में बराबर हो। ठीक है, हाँ जी, एक जो फार्मूला है अपने को ध्यान च रखना है, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। हाँ जी, जिहड़ा पी एक्स है उहदा मतलब यह है एक्स वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है, एम यू एक्स के एक्स वस्तु की समान दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, एम यू एम के मुद्रा का समान दृष्टिकोण दर्शाया गया है। ठीक है जी, इसे फार्मूले को कुछ इस तरीके भी लिखा जा सकता है। ये किवें बनया फार्मूला देखो, मेन जिहड़ा फार्मूला अपने को आही है एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय वन कर लो, इन दोहों आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जो इंटरचेंज करेंगे तो अपने को फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रख लो, आपस में इंटरचेंज करते इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करते भी ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। जेकर किसी वस्तु की कीमत एक रुपया है तो उस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन की शर्त यह बनेगी। हाँ जी, ये देखो फार्मूला से अपने को एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू एम यू एम। हाँ जी, इतने आप वैल्यू एक भरा, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत एक रुपया डिनोट की गई, इतने एक फिल करा तो अपने को फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना जी। हाँ जी, जेकर केस नंबर एक है, जेकर एम यू एक्स ग्रेटर दैन पी एक्स, भाव एक्स वस्तु तो प्राप्त होने वाला समान दृष्टिकोण वध है एक्स वस्तु की कीमत नालों, या कीमत जिहड़े आप त्याग रहे हैं दृष्टिकोण नालों ज़्यादा है, तो अजिही स्थिति के उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त करन दे लई एक्स वस्तु दियां होर इकाइयां का उपभोग करेगा। ये ध्यान रखना जी, इंपोर्टेंट फैक्ट है। जेकर वस्तु के उपभोग तो प्राप्त समान दृष्टिकोण घट है वस्तु की कीमत नालों, तो अजिही स्थिति के उपभोगी एक्स वस्तु दियां इकाइयां का उपभोग घटाएगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति प्राप्त करने वास्ते जो ये स्थिति एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अजिही स्थिति प्राप्त होंगी है, तो उदो उपभोगी एक वस्तु की स्थिति में संतुलन में होगा। ठीक है जी, ये तीन केस ध्यान च रखने हैं भी कदों होर वस्तुओं का उपभोग वधाएगा, कदों एक्स वस्तु का उपभोग घटाएगा, ये सारे फैक्टर ध्यान च रखने जी। ठीक है जी, हाँ जी, मानतावां इस निज़म दियां, सब तो पहली मानता यह है कि दृष्टिकोण को मापिया जा सकता है, एक दो तीन इस तरह ओर्डिनल कार्डिनल दे विच मापिया जा सकता है, तो मुद्रा का जिहड़ा समान दृष्टिकोण स्थिर रहिंदा है। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखना है, हर एक वस्तु का दृष्टिकोण दूजी वस्तु के दृष्टिकोण तो मुक्त हुंदा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है भी आपां सेब खा लिया, सेब तो बाद केला खावांगे, तो केले तो प्राप्त होने वाले दृष्टिकोण से पहला खाधे सेब का कोई असर नहीं होगा, पर रियल लाइफ के अजिहा नहीं हुंदा भी आपां जदों सेब खा लिया, सेब खा के अपना ढिड भर गया, तो जो आप केला खावे तो उस तो जो अपना दृष्टिकोण प्राप्त होएगा वो जरूर ही घट दृष्टिकोण प्राप्त होएगा अपन, पर ये यह मानता मनी गई इस निज़म के, हर एक वस्तु तो मिलने वाला दृष्टिकोण दूजी वस्तु पर निर्भर नहीं करता।
हाँ जी, भोगी समझदार है, विवेकशील है, वो अपनी सीमित आमदन तो वध तो वध संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अभोगी नूं बाजार दीआं हालातां बारे पूरी जानकारी है। अभोगी की आमदन ते वस्तां की कीमत है जिहड़ी उह फिक्सड है, ठीक है जी, वो कॉन्सटेंट रहिंदी है, उहदे विच कोई चेंज नहीं आउंदा। वस्तुआं वंडन योग हन, ये निज़म उत्थे ही लागू हुंदा है जिथे आपां अभोग वस्तुआं दा वंड के कर सकीए, जिवें एक सेब खा लिया, दो खा लिए, रोटी एक, तीन, चार, पंज, इस तरह नूं वंड सकदे आपां, ठीक है जी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, मानतावां दे नाल संबंधित, ये तुसीं ध्यान च रखणे आ। हुण गल करदे हां जी दो वस्तुआं दी स्थिति दे विच अभोगी दा संतुलन। इस निज़म नूं सम समान तुष्टिकोण दा निज़म भी कहा जाता है। इस नूं गौ सेन दा दूसरा निज़म भी कहा जाता है। डॉक्टर मार्शल ने इस नूं सम समान दा तुष्टिकोण दा निज़म कहा है। दिस लॉ इज़ आलसो कॉल्ड एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। इस लॉ नूं अधिकतम संतुष्टि दा निज़म भी कहा जाता है। इस नूं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिनसन, लॉर्ड रॉबिनसन ने कहा है इट इज़ द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, ठीक है जी। ये सारे फैक्ट तुसीं ध्यान च रखने जी। हाँ जी, ये निज़म दसदा है कि उपभोगी अपनी मुद्रा वस्तुओं विचकार इस प्रकार वंडेगा कि हरेक वस्तु ते खर्च किते आखरी रुपए तो बराबर तुष्टिगुण प्राप्त होवे, ठीक है जी। मान लो एक्स वस्तु ते 2 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है जी, ते वाई वस्तु ते 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो जिहड़े दूसरे एक्स वस्तु तो जिहड़ी दूसरा रुपया खर्च किया उस तो जिहड़ा तुष्टिगुण प्राप्त होएगा वो वाई वस्तु के जिहड़े 30 रुपए जिहड़ा खर्च किया जी उहदे बराबर होना चाहिए जी, ठीक है जी। तो उपभोगी के संतुलन की स्थिति हेठ लिखी शर्त पूरी हो तो उपभोगी संतुलन में होगा दो वस्तुओं की स्थिति। हाँ जी, ये ध्यान रखना है जो आप गल करते हैं एक वस्तु की स्थिति दे आ चीज़ नहीं आती गी, उदो सिर्फ आ पार्ट तो आ पार्ट ही आता अपने को, ठीक है जी। जो दो वस्तुओं की स्थिति दे आ जाए तो एक आ पार्ट भी आ जाएगा, जो तीन वस्तुओं की स्थिति होगा तो उदो जैड वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो इक्वल टू आएगा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी आएगा, ठीक है जी, ध्यान रख लेना जी। हाँ जी, दो तो वध वस्तुओं की स्थिति उपभोगी संतुलन की शर्त की है, ये अपने को जैड भी आ जाएगा, एक्स पी एम जू एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम जू वाई डिवाइड बाय पी वाई इज इक्वल टू एम जू जैड डिवाइड बाय पी जैड इज इक्वल टू एम जू एम, ठीक है जी, ध्यान रख लेना। हाँ जी, नोट की करने हैं, ये कुछ केस बनते हैं। पहला केस ये है भी जो एम जू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स ग्रेटर दैन है, कहने का मतलब यह है भी एक्स वस्तु तो मिलन वाला समान तुष्टिकोण वध है वाई वस्तु तो मिलन वाले समान तुष्टिकोण नालों। तो अजिही स्थिति दे विच उपभोगी जे संतुलन की स्थिति प्राप्त करना चाहता है तो उहनूं एक्स वस्तुओं होर खरीदना चाहिए है तो उसका उपभोग करना चाहिए है, तद वह संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। एक्स वस्तु की वधेरे इकाई का उपभोग करना चाहिए है, ज दूसरी कंडीशन यह है कि उसनूं वाई वस्तु दीआं घट इकाइया का उपभोग करना चाहिए है, भी ये जिन्हिया उन्हें सोचिया उसके नालों घट उपभोग करे, ठीक है जी, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी, संतुलन दो वस्तु तो वध वस्तुओं की स्थिति की जी संतुलन वो पढ़ चुके हैं, पर केस नंबर 2 है आप चर्चा करते हैं। ये की है भी वाई वस्तु तो प्राप्त होने वाला समान तुष्टिकोण वध है एक्स वस्तु नालों, अजिही स्थिति दे जो उपभोगी है वाई वस्तु दीआं होर वधेरे इकाइया का उपभोग करेगा तद ही वह संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकेगा, ठीक है जी, ये ध्यान च रखना है। क्योंकि जे वाई वस्तु दीआं होर इकाइया का उपभोग करेगा तो जिवें जिवें वाई वस्तु का वधेरे मात्रा च उपभोग करेगा तो उस तो मिलन वाला समान तुष्टिकोण घटता जाएगा, तो फिर ये बराबर हो जाएगा एक्स वस्तु तो प्राप्त होने वाले समान तुष्टिकोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वाई वस्तु दीआं वधेरे इकाइया का उन्होंने उपभोग करना चाहिए, तो जिवें जिवें वाई वस्तु का वधेरे उपभोग करता जाएगा तो वाई तो मिलन वाला जिहड़ा समान तुष्टिकोण घटता जाएगा, तो एक अजिही स्थिति आ जाएगी जदों एक्स वस्तु तो प्राप्त समान तुष्टिकोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारे फैक्ट ध्यान रखने। तुष्टिकोण के माप लिए सब तो पहला जुटिल शब्द की वरतों किसने की सी? हाँ जी, प्रोफेसर फिशर ने इस शब्द की वरतों की सी। घटते समान तुष्टिकोण का निज़म किसने दिता सी? हाँ जी, इसनों गोसेन का पहला निज़म किया जाता है, ये गोसेन ने दिता सी, ठीक है जी। तो इस निज़म को जो डिवेलप किया मार्शल ने किया, ठीक है जी, ध्यान रखना। घटते समान तुष्टिकोण के सिद्धांत को होर की किया जाता है, ठीक है जी, इसनों गोसेन का पहला निज़म किया जाता है, ठीक है जी। एक वस्तु की स्थिति उपभोगी का संतुलन होगा, एक वस्तु की स्थिति उपभोगी संतुलन होगा जदों एक्स वस्तु तो प्राप्त होने वाला जो समान तुष्टिकोण एक्स वस्तु की कीमत के बराबर हो। हाँ जी, एक कंडीशन होर है जी जी ध्यान रखनी आप की है भी एक्स वस्तु तो प्राप्त होने वाला समान तुष्टिकोण वध है वाई वस्तु तो नालों ज़्यादा है, तो अजिही स्थिति उपभोगी की करेगा? उपभोगी एक्स वस्तु के उपभोग को घटावेगा? नहीं, इस दे उपभोग को वधाएगा तो ये उपभोग को घटावेगा। दो केस बनेंगे ये, हम आप देखना है भी दोनों ही है या एक है,
एक्स वस्तु के उपभोग नूं वधाएगा गलत, एक्स वस्तु के उपभोग नूं वधाएगा बिल्कुल सही, वाई वस्तु के उपभोग नूं वधाएगा यह भी गलत, एक्स अते वाई वस्तु दोवां दे उपभोग नूं वधाएगा यह भी गलत, सिर्फ वाई वस्तु के उपभोग नूं वधाएगा। ठीक है जी, यह नहीं होना चाहिए, सच इहदा राइट आंसर बन जाएगा जी अपने कोल बी। मैनूं उम्मीद है अज्ज दा जिहड़ा सैशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।